सो कुछ ये इस टाइप के दरवाजे हेलो ये वाला है ये वो वाले Whispered from ashes. Hey guys, good morning. कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत एक और न्यू ब्लॉग में। सुबह के लगभग 7:15 बज रहे और ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मैं। और चलिए अभी क्या हो रहा है घर पर वो भी बता देता हूँ। और ब्लॉग पर बने रहना, एंड तक जरूर देखना। मम्मी और कमल चाय पीने में लगे हुए ये। और ये देखो ये बच्चा बिस्किट खा रहा है चाय से ये। ये मैंने भी ले ली है चाय। ये सुबह सुबह से खेलने के लिए चलेगी, कितनी गंदी हो गई। अभी फिलहाल तो बिट्टू तन्नू को लगा दिया पढ़ाई पर। इधर देखो दोनों के दोनों लग गए। ये हमको दादी ने नई पेंसिल दी। हाँ अली को उधर अच्छे से पढ़ाई करो ना। चली हो जाएगी। अरे हाँ आपके पास बहुत बहुत पेन है, बट पढ़ाई करो अच्छे से है ना। मेरे पास इंग्लिश पहली लाल। आप क्या लिख रहे हो तन्नू? एबीसीडी लिख रहे हो, दिखाओ। हाँ लिखो 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 अच्छे से लिखो। चल रही बिट्टू तन्नू की पढ़ाई। इधर आई बिट्टू को मैं गिनती लिखना सिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ तक लिख दिए, इसके बाद की बिट्टू लिख रहा है। लिखो बेटा, आप भी लिखो बेटा। हाँ आप अनाराम लिखो। कमल ने आपके रिसर्च लगा दिया। अच्छा तो लिखी ये तो लिखी आधा महीने लिख के दिया है। हम लोग छत पे आए हुए। कमल है ना वो बाइक की बैटरी आता ना उसको ढूंढ रहा है, तो मम्मी ने क्या छत के ऊपर रख दी थी। छत के ऊपर कितना कचरा रखा हुआ है मम्मी, सब क्या है इसके अंदर, कंडे वगैरह हो गए। यहाँ पे रखी हुई है क्या बेटी? तो यहाँ रखने की जगह है क्या ये? हैं यहाँ ऐसी जगह कौन रखता है? ये कहीं बैठी, ये रही, ये इसको बोलते हैं बेटी। कमल को मिल ही नहीं रही थी मम्मी बोल रही है। तो ये बिक जाएगी क्या? खराब है कि अच्छी है? खराब कैसे बिकती है? तो देखो ये इसको बोलते हैं बेटी, तो चेंज करवा लाना ना, नहीं डलवा लाना बेटी। ले जा मम्मी से ना। जैसे हमारी जो बाइक है ना उसमें ना बैटरी खराब हो गई है, तो अभी धूप बहुत तेज लग रही है, बैटरी खराब हो गई ना, तो वो कमल चेंज करवाने के लिए जा रहा है। 750 रुपए बता रहे बैटरी। 18 महीने की गारंटी। 750 की लोकल। क्या पता है सब आती है। 4 साल चली थी। 50 साल चले। चलो चलो धूप कितनी है चलो। कहो कहीं ये छत का दरवाजा लगा दे। सब आगे सबके सब नीचे। ये जा रहा है कमल बैटरी वगैरह लेके। यहाँ पे बैटरी लगती है ये जो हाथ में ना ये। हाँ यार ले जा, कमल को बोल रहा हूँ मैं मोबाइल ले जा, शूट करके लाना है। ले नहीं जा रहा पेट्रोल कहीं नहीं जा, तो ये जा रहा है। अभी हम लोग रील्स बना रहे थे, अगर आपको देखना हो ना तो इंस्टाग्राम पर जरूर जाना देखने के लिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, या तो आप नॉर्मल इंस्टा पे सर्च कर सकते हो संतोष रोकड़े, तो 143 तो आ जाएगी। लगभग 90,000 है फॉलोअर्स। आप लोग चाहो तो 1 लाख करवा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? सो ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, अभी जाते हैं घर के अंदर। खाना क्या बनाया? दाल उड़दू की दाल। गजब गजब, खा लिया आपने? मैंने खाना निकाल लिया मेरा। और आज जैसे बताया ना कि उड़द की दाल बनी हुई, वैसे दो टाइप की उड़द की दाल आती है, काली वाली आती है और एक का कलर अभी दिखाता हूँ वो आती है। अगर आप लोगों ने देखी है तो देखो ये रोटियां भी निकाल लिए और ये उड़द की दाल है। ये फटाफट खाना खा लेता हूँ। खाना खा लिया और कमल भी आ गया, डलवाने के लिए गया था ना बाइक में, मतलब सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रहा था बट अब होने लग गया। चेक कर दो ये देखो ये हो गए। और हॉर्न भी बज नहीं रहा था, बज रहा ना? तो ये हो गई बाइक सही स्टार्ट। वरना क्या प्रॉब्लम हो जाती है अगर हॉर्न वगैरह काम नहीं करता और बाइक अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती ना तो प्रॉब्लम होती, बट वो सही करवा लिया। दोपहर के लगभग 2:30 बजने वाली है और थोड़ी देर पहले मैंने अपनी एडिटिंग फिनिश करी, अपलोड पर भी लगा दिया ब्लॉग को। थोड़ी प्रॉब्लम आ गई यार, और वो क्या प्रॉब्लम आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा, ठीक है? फिलहाल घर के अंदर जाते हैं, बहुत देर से सभी के सभी टीवी देखने में लगे हुए और ये बैठे हुए। देखो सभी के सभी आज टीवी एक साथ देख रहे। वैसे कौन सी मूवी देख रहे हैं मम्मी? पुरानी वाली मूवी जानी दुश्मन। ये कैसी मूवी है देखो, ये कोई मूवी देख रहे हैं? बहुत पुरानी मूवी है, इसमें बहुत बहुत भी बताते हैं। मैंने देखी हुई ये वाली मूवी, आप में से किस किस ने देखी है? चलो रे डोली उठाओ कहाँ ऐसा कुछ, चलो रे डोली वाला कोई गाना है ना, आपको याद होगा अगर देखी होगी तो। बट सभी देख रहे हैं। कैसी मूवी मम्मी? पुरानी मूवी है, मम्मी को बहुत अच्छी है, बहुत खतरनाक है, खतरनाक है। वो डरावना रहता है ना, इसको देखो ये, इसका तो हमेशा मूवी चलते रहता है। ये सोने की नौटंकी कर रहा है।
ये फिलहाल टीवी भी देखते हैं। आज संडे भी है तो आज के दिन भी दिन में मैच चलेगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर तक इनको मूवी देखने देते हैं, जब मेरे मैच का टाइम होगा तब तक तो ये मूवी खत्म हो जाएगी। मजा आता था यार पुरानी मूवी में भी। सो गाइस फाइनली नहा भी लिया मैंने और अभी 3:30 बज चुकी है, आपको आवाज आ रही होगी बैकग्राउंड में, मैच भी चालू हो गया। फिलहाल मैच भी देखते और साथ ही मम्मी ने चाय बनाना भी शुरू कर दिया है। कल भी यही टाइम पर मम्मी ने चाय बनाई थी, बना रहे हैं मम्मी चाय ये सभी के लिए। मैच ही देखेंगे आज। कूलर में भी फटाफट पानी भर लेते हैं, हम लोगों ने पाइप भी लगा दिया कूलर में, पानी वानी पे भर रहे। ये कमल ने तो बच्चों को चाय देने से मना किया हुआ है। हम बना लेंगे खुद, आप नहीं बना के दोगे तो। ये मिल गई मुझे भी चाय, चाय पीते पीते मैच भी देखते हैं, ठीक है। सभी आप लोगों को बताइए न्यू घर में क्या क्या काम बचा हुआ है, और आप लोग भी बोल ही रहे हो कि जल्दी से जल्दी अपना घर कंप्लीट करवा लो, और मैं भी वही सोच रहा हूँ। और मैंने इसीलिए लिस्ट वगैरह जो है ना, लाइट के लिए जो होता है ना बल्ब वगैरह वो बोर्ड वगैरह, उसके लिए लिस्ट अभी बनवा ली है, और दरवाजों के लिए भी नफ्ती वगैरह सब ले लिए। बट अभी यही चीज़ है कि अब लाना है इनको, है ना। बट इनको लाने के लिए आपको पता ही है हमारे यहाँ भी शायद मिल जाता है सामान, लेकिन ज़्यादा अच्छा सामान खरगोन में मिलता है, ठीक है। बट अभी खरगोन ना बंद है, खरगोन में वो रामनवमी के दिन जो हो गया था ना पथराव, उसके बाद से खरगोन में कर्फ्यू वगैरह लगातार चलते आ रहा है। थोड़ी थोड़ी छूट मिलती है, लेकिन अभी बीच में ईद आने वाली है। वैसे आज 1 तारीख तो हो गई है, वैसे ये ब्लॉग आप लोगों को 2 तारीख को देखने के लिए मिले, और कुछ झगड़ा नहीं हो जाए इस वजह से फिर से खरगोन में कर्फ्यू रहेगा। इसलिए अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि सामान के कहाँ से लाऊं, घर का काम भी करवाना है, तो उसी के लिए अभी हम लोग चेक करने जा रहे हैं कि गांव में मिलता है कि नहीं सामान। सो गाइस आप देख सकते हैं हमारे गाँव में रोड वोड कहीं बनवाते ही नहीं है, ऐसा ही छोड़ा हुआ है। काम आता है लेकिन अंदर ही अंदर कोई ना कोई पैसे खा जाते होंगे मुझे तो ऐसा लगता है। ये अभी यहाँ पर भी खरंजा आया हुआ तो देखो कितना बिगाड़ा हुआ है, और ये पंचायत है। मतलब गाँव में यार थोड़ा बहुत अच्छा रहना ही चाहिए। देखो यहाँ 2 दिन नहीं हुआ है ये कॉलोनी को बसे हुए, और यहाँ पर खरंजा है, और जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ इंसान थोड़ी रहते हैं, वहाँ जानवर रहते हैं, इस वजह से कभी खरंजा नहीं करवाया। यहाँ के ऐसे महान नेता है, चुनाव के टाइम में वोट मांगने आ जाएंगे। सभी देखते हैं कि दुकान भी खुली है कि नहीं, ये बात भी है। और यहाँ पर अगर दुकान बंद रही तो हो गया काम, दुकान तो खुली दिख रही है यहाँ पर। किस टाइप की गाड़ी है देखो, ये कुछ सामान रखने के हिसाब से बनाई हुई है। और अभी हम लोग आ गए वहाँ वगैरह देखने के लिए, अभी खुली नहीं दुकान, और दरवाजे वगैरह देखने के लिए मन कर रहे कि खोल रहे अच्छा अच्छा हाँ वही तो, कि हम मिलते हैं कि नहीं ये भी नहीं कन्फर्म था। ऐसा मिल जाएंगे साइज ना तुम्हारा, ऐसा ये इस टाइप के दरवाजे। हेलो ये कैसा क्या पड़ते है ये तुम्हारे साइज के, अगर अपना 3 3-7 के 3-7 के चौखट अपने 3-7 के चौखट है तो दरवाजे के रहते हैं ना। ये वाला है, ये सैंपल रखा हुआ है यहाँ पर। हम लोगों ने दरवाजे वगैरह तो देख लिए, यहाँ पर मिल सकते हैं दरवाजे। तो गाइस हमारे गांव के मार्केट में तो देखा है दरवाजे है वहाँ पर, और रेट भी पूछ लिया कि कैसे क्या मिलेंगे। 3-7 चौखट है ना, ये साइज बताया मैंने, फिर उन्होंने बताया कि इसके लिए एक बल्ला 2600 रुपए का आएगा, फिर जो मेन दरवाजा है ना उसका 4-7 का है, 4x7 का है, तो उसका उन्होंने लगभग 3200 रुपए बताया। ये रेट तो पता चल गया है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि खरगोन जाकर भी ट्राई करके आ जाऊँ वहां पर क्या रेट चल रहा है, अगर यहाँ के मुकाबले वहां पर कम चलता हो। और दरवाजे भी देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अच्छे से। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 दिन तक वेट ही करना पड़ेगा, जब तक दुकानें खुल नहीं जाती तब तक। और मैं सोच रहा हूँ कि अच्छे से देख के लाऊंगा, अच्छे वाले दरवाजे लेके आऊंगा। खरगोन में जाके चेक करना पड़ेगा कि कहाँ सस्ते मिल रहे और अच्छे वाले दरवाजे मिल रहे। और आप लोग भी बताना यार कि कैसे क्या न्यू घर के लिए दरवाजे मुझे लेना चाहिए, मेरा ये फर्स्ट टाइम है यार, मुझे इतना कुछ नॉलेज नहीं है घर के लिए। अभी काफी सारी चीजें नोटिस करी है न्यू घर, जैसे हम बना रहे थे उसमें काफी सारी गलतियां मुझसे हो रही है, अभी धीरे धीरे हर चीज का नॉलेज होते जा रहा है, इसलिए मैं ये ब्लॉग भी बना रहा हूँ ताकि मुझे आप लोगों से भी जानकारी मिल जाए कि कौन से दरवाजे हमारे घर के लिए सही रहेगी। तो आप लोग सजेस्ट जरूर करना, और उसके लिए मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना है। देखो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, या स्क्रीन पर भी लिख दूंगा, इंस्टाग्राम आईडी santoshrokhade143। मुझे इंस्टा पर मैसेज करना और बताना यार कि मुझे किस तरह के दरवाजे लेने चाहिए अपने न्यू घर के लिए। 2-3 दिनों तक अभी दुकानें नहीं खुलेगी, 2 या 3 दिन का टाइम है आप लोगों के पास ही मुझे बताने का, डिजाइन वगैरह बताने के दरवाजों की। और 2 खिड़कियां भी यार, खिड़कियां तो मेरे दिमाग से निकल, खिड़कियां कैसी क्या वो आप लोगों को बता देता हूँ। कुछ इस तरह की खिड़कियां देखो, ये मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ कांच का लगाना है का, बट जो भी होगा आगे आप लोगों को भी अपडेट देते रहूंगा। बस अपना ये प्यार बनाए रखना, मुझे सपोर्ट करते रहना, देखो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,
मेरे कोई खास ब्लॉग नहीं रहते, मैंने कुछ कमेंट नोटिस करे थे जब मैंने एक ब्लॉग अपलोड करा था ना कि मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर कब हो गए, उसमें भी मैंने बोला था कि आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको मुझे सपोर्ट करना है कि नहीं, अगर आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। तो कुछ नेगेटिव कमेंट आए थे। वैसे तो मैं नेगेटिव कमेंट को हमेशा इग्नोर करते रहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं कि वो 2-3 नेगेटिव कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो भी नेगेटिव कमेंट करते हैं करते रहो, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने एक चीज ये भी नोटिस करी कि मुझे देखकर भी आप में से कई लोग मोटिवेट हुए। मेरी जो लाइफ की जर्नी आप लोगों ने देखा है, शुरू से जो लोग देखते आ रहे थे कि हम लोगों ने कहाँ से शुरू करा था और अभी कहाँ तक आ गए, जैसे कि लाइफ वही महसूस कर सकता है जिन्होंने हमारे जैसी लाइफ जी हुई है। जिनको ऐसे ही मिल गया ना सब कुछ, उनको तो कुछ कदर नहीं रहती, लेकिन जिसने मेहनत करी हुई है, और मैंने कितनी क्या मेहनत करी हुई है आपको पता ही है। तो देखो, इंसान ने ना कभी हार नहीं मानने चाहिए, जैसे मैंने कभी हार नहीं मानी। आप लोग भी अगर अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, नेगेटिव जो लोग रहते हैं ना, जो आपको बार बार रोकेंगे टोकेंगे, तो उनको इग्नोर करते जाना। तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हैं तो अच्छी तरह से वो लोग भी मोटिवेट हुए, कुछ अच्छे अच्छे काम करें। देखो, कभी लाइफ में ऐसा काम मत करना कि 4 लोग आपको गालियां दे। और देखो, मेरी जितनी भी पहचान बनी है, जितने लोग भी मुझे जानते हैं, यहाँ तक मैं अपनी मेहनत से बना हूँ। मैंने कभी किसी की मदद नहीं मांगी। जो दूसरे क्रिएटर रहते हैं, जो पहले से वायरल रहते हैं, जो फेमस रहते हैं, इनसे मैंने कभी किसी से कोई हेल्प नहीं मांगी। मैंने अपने तरीके से लोगों का दिल जीता और कामयाब भी हो। अपना ये प्यार ऐसे ही बनाए रखना, सपोर्ट करते रहना। पहले भी मैंने बोला था कि मेरे बहुत नॉर्मल ब्लॉग रहते हैं, आपको अगर अच्छा लगे, आपको अगर हमारी फैमिली ब्लॉग देखना पसंद हो तो ही चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ठीक है। सो मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ इस ब्लॉग में शेयर कर दी, एंड आप लोग जरूर बताना कि मुझे न्यू घर के लिए कैसे क्या दरवाजे लेने चाहिए। 3 hours later. इसको पता ही नहीं था कि रिकॉर्ड हो रहा है। इसके चेहरे पे वो काले काले धब्बे, मिट्टी नहीं रहे ना दीदी, तो ये क्या लगा रही? मुट्ठानी मिट्टी। मुट्ठा कौन सी मिट्टी? मुट्ठानी मिट्टी, जो भी दीदी ने नाम बताया वो वाली मिट्टी। देखा, इसके फेस पे लगा रहा है, अब ये गोरा हो जाएगा एकदम, मतलब कड़क चेहरा होता है और चेहरे पे चिकनाश आती है और दाग धब्बे और फुंसल। तो इसका चेहरा सही हो जाएगा, देखते हैं। लगा तो रहा है, इधर देख। ये देखो, एक को देखो, ये यहाँ बैठा कूलर के सामने बैठा हुआ। ये देखो, लगा किधर बेचकर सुखा रहा हो रहे। बोलना नहीं है इसमें लगाने के बाद, चुप रहना है। मैं बोल सकता हूँ, मैं मजबूर थोड़ी ना कर रहा हूँ बोलने पे, चुप हो जाना। दो बार हंसवा चुका है पर कैसा दिख के जरा यार। धनिया